ये है सबसे शराबी सितारे पीने के बाद खो देते होश। बॉलीवुड या फिर टीवी की दुनिया ग्लैमर से भरी हुई है। टीवी स्टार से लेकर बॉलीवुड स्टार्स को कई बार नशे की हालत में देखा गया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब इन स्टार्स को नशे की हालत में कैमरे में कैद किया गया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में जो अक्सर शराब के नशे में देखे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड के टॉप शराबी स्टार्स की लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं। ये हैं बॉलीवुड के टॉप शराबी स्टार्स। सलमान खान। बात अगर बवाल की हो तो सलमान खान का नाम आना स्वाभाविक है। बॉलीवुड के टॉप शराबी स्टार्स की लिस्ट में सलमान खान टॉप पर हैं। सलमान ने शराब के नशे में कई बार बवाल किया है। 2002 में कुख्यात ड्रिंक एंड ड्राइव घटना तो आपको याद ही होगा, जिसमें सलमान पर कथित तौर पर फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हालांकि वो इस केस से भी बरी हो गए। शाहरुख खान। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2012 कप जीता। देर रात तक शाहरुख खान पूरी तरह से अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और जब एमसीए के अधिकारियों ने अचानक लाइट्स बंद कर दी तो उन्होंने वही बवाल करना शुरू कर दिया था। बाद में इस मामले में काफी विवाद नहीं है। मुंबई सहायक पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की कि शाहरुख नशे में थे। मलाइका अरोड़ा खान। लोकप्रिय सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के 50वें जन्मदिन के मौके पर मलाइका ने बहुत शराब पी ली थी। इस दौरान उन्होंने काफी अजीब अजीब हरकतें की। सोनम कपूर इस दौरान मलाइका को बार बार संभालने की कोशिश करते हुए नजर आई थी। बता दें कि मलाइका का अपने पति अरबाज खान से तलाक हो चुका है। संजय दत्त ने खुद कबूला था कि उन्हें ड्रग्स और शराब की नशे की लत है। रणबीर कपूर की पार्टी में संवाददाताओं के साथ दुर्व्यवहार और अपने सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान से लड़ने तक संजय के कई बवाल हैं। बता दें कि रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। आमिर खान। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद भला आमिर कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वो इस लिस्ट में शामिल हो गए। सलमान के साथ मिलकर दोनों ने एक पार्टी में फोटोग्राफर से झगड़ा किया था। अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है के साथ अपनी करियर की शुरुआत करने वाली अमीषा पटेल नशे की हालत में कई बार देखे जाने वाली एक्ट्रेस हैं। उन्हें कई बार नशे की हालत में देखा गया है। वो शराब के नशे में इंटरव्यू भी दे चुकी हैं। पार्टी में खुलेआम किस करते भी नजर आ चुकी हैं। कपिल शर्मा। कपिल एक ऐसे सेलिब्रिटी के उदाहरण है जो अपने स्टारडम को संभालने में सफल नहीं हो सके। कपिल शर्मा ने अल्कोहल के प्रभाव में द कपिल शर्मा शो के अपने साथी टीम के सदस्यों से शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। कपिल पर महिला स्टार्स को परेशान करने का भी आरोप लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मराठी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2015 के अवसर पर कपिल ने मराठी अभिनेत्री दीपाली सयाद के साथ दुर्व्यवहार किया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।